क्वेश्चन इज इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड फाइंड साइन 15 डिग्री। इस केस में मेरे पास डबल एंगल फॉर्मूले में आई हैव टू, उसका सोल्यूशन कैसा लिखेंगे हम लोग? हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला अगर लेते हैं तो डबल एंगल फॉर्मूले में कैसे मैं डबल एंगल फॉर्मूला ले रहा हूँ? हाउ डिड आई थॉट दैट 15 का डबल है ना 30, है क्या? नहीं तो मैंने उसी एग्जांपल से सोच लिया कि भाई एंगल 15 डिग्री है, इसका डबल 30 डिग्री है, थीटा 30 बोला है तो डबल एंगल पे ट्राई करके देखते हैं। तो इफ़ यू ट्राई फॉर दिस, तो मैंने यहाँ साइन है तो साइन का कॉस ले लेंगे, कॉस 2 थीटा। और फॉर्मूले को अगर गौर से देखो, हमेशा बंच में याद करने जैसे बोला मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस के लिए साइन सिर्फ मौजूद कहाँ है? यहाँ पे। अगर ये फॉर्मूला लूंगा तो आई वुड बी इन ट्रबल बिकॉज इट हैज साइन एंड कॉस बोथ। मेरे पास साइन दिया फाइंड करना है, कॉस मैं इसको समझ के ले सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं ये फॉर्मूला लूंगा 1 - 2 sin² थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फॉर्मूला? ऑन दैट बेसिस आई कैन से थीटा इज 15 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लूंगा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 sin² 15 डिग्री। मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया, थीटा को 15 बोला, 15 का डबल 30 कर दिया इधर, इट इज 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे फिर मेरा 2 थीटा क्या बना? 30 डिग्री। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। सो साइन 2 sin² थीटा आई कैन सेंड इट हियर, 2 sin² थीटा 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 - cos 30 डिग्री। तो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। cos 30 क्या होता है? cos 30 वाला टेबल 0, 30, 45 वाला जो सीरीज है ना, उसके हिसाब से अगर जाओगे तो इवन इन कैलसी इफ यू सी cos 30 इज हाउ मच? √3/2। सॉल्व हो गया, 2√3/2। कैसा आया ये? व्हाट वी डिड, यहां डिनोमिनेटर में 2 है तो वी मल्टीप्लाई 2/2, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 2 आ गया, नीचे फिर डिनोमिनेटर में 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट? वेन एवर वी नीड टू फाइंड एलसीएम वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 sin ये हो गया, तो sin² 15 डिग्री को अगर मैं 2 को यहां भेज दूं नीचे तो क्या हो जाएगा? 2 - √3/4। ये 2 मेरा डिनोमिनेटर में गया। गेटिंग माई पॉइंट यार? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 यहाँ से जब यहाँ गया तो 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4, क्लियर है? तो 2 इज गायब। व्हाट इज क्वेश्चन? बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन? बेसिकली क्वेश्चन वॉज साइन 15 फाइंड करना है, एंड व्हाट रिमेन हियर इज ओनली sin² 15 डिग्री। और यहाँ हमारे पास क्या है? 2√3/4, है ना? सो स्क्वायर को अगर हटाना है तो यहाँ रूट आ जाना है, तो रूट सॉल्व करूंगा तो नीचे का टर्म 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, अगर ऊपर वाले का निकलेगा नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। सो दिस इज योर आंसर। अगर क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन आया इसके अंदर इनकेस, तो रूट निकालोगे तो ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन आएगी, 2 साइन आएगी, डुअल साइन आनी है, एंड 15 डिग्री इज गोइंग टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट विल बी प्लस √2 - √3/1। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिला, हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया कि कहाँ हो सकता है प्लस है कि माइनस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 15 डिग्री है, तो
तो इसी वजह से हम लोग ने इसको √2 और -√3 पॉजिटिव मिल गया। क्लियर, दिस इज द आंसर। और ये सिर्फ